को शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, संगीत को लेको शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, ना 2019 से बहिष्कार, छात्र संघ ना 2019 से बहिष्कार, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से। आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में हमने आज ये प्रदर्शन इसीलिए किया है, हमने शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, संघ शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन, इन सभी का विरोध प्रदर्शन किया है। और इनका विरोध प्रदर्शन करने का हमारा मुख्य कारण यही है कि हम 2019 जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज विगत 16 साल से इंतजार में है कि कब ये नए भवन में जाएगा। वर्तमान भवन जो है अत्यधिक जर्जर अवस्था में है, यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी भर रहा है, जर्जर अवस्था के कारण ये कभी भी धराशायी भी हो सकता है, कई ऐसे कमरे हैं जिनको जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन, निदेशक महोदय, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देकर इस महाविद्यालय को यहीं रखना चाह रहे हैं, जबकि नवीन भवन लोहागल में बनके तैयार हो गए हैं। विगत हमारी लगातार मांगों को देखते हुए भी प्रशासन बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसी कारण जो ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए प्रशासन है, उसको जगाने के लिए हमने आज ये छात्र संघ 2019 का जो चुनाव है उसका बहिष्कार करते हुए यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। पहले भी आपने प्रदर्शन किए थे अपने कॉलेज, नए कॉलेज के लिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? पहले भी हमने कई प्रदर्शन किए, विभाग को सूचना की, मंत्री जी को सूचना की, अभी विगत 8 तारीख को हमारे प्रिंसिपल महोदय मंत्री जी से मिल के भी आए, उनको बताई भी सारी बात, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि हम तुरंत अभी आपके विभाग को सूचना करते हैं और उनको कहते हैं कि आप कॉलेज में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन लिखित रूप में हमारे प्राचार्य महोदय को कोई भी प्रतिलिपि या वहाँ से कागज प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे महाविद्यालय प्रशासन में जो प्राचार्य महोदय हैं उनका कहना है कि हम जब तक हमारे को लिखित में अनुमति नहीं मिलती है तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान जो भवन हमारा नवीन भवन बना है उसका हम वहाँ पर 25,000 रुपये 0 यूनिट पर बिल भी भर रहे हैं, तो फिर हम उसका बिल क्यों भर रहे हैं जबकि हमारे को लिखित में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन PWD ने हमें हैंड ओवर कर दिया तो हम वहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो सत्ता है, सरकार है, उसकी ओर से हमें कोई भी प्रक्रिया या कोई भी यथा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए हम इस प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं और इन चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। आपका नाम? जितेंद्र सांगला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, संस्कृत कॉलेज अजमेर।